मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उस सारी जनता का जिन्होंने मुझे सहयोग दिया और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। और मैं मेरी यही इच्छा रहेगी और मैं अपने वार्ड के लिए पूरा पूरा जो भी काम होगा मैं पूरा करूँगी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। गीता कुमारी वाइफ ऑफ श्री भक्तौर सिंह गांव ग्रान फरनौल से प्रधान फरनौल पंचायत से प्रधान पद पे जीती हूँ। मैं अपनी पंचायत के सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा और मेरे को इस पद पे पहुँचाया। क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी मैडम आप काम करवाने की? मैं कोशिश करूँगी कि जो मेरी बहनें मनरेगा में काम करती हैं उनको पूरा काम मिले 120 दिन का, और जो भी पात्र किसी भी चीज़ का हकदार है और मेरे को शिकायत मिलती है तो मैं कोशिश करूँगी कि वो उसको विकास करवाऊँगी उसका अपनी पंचायत का। अंकुश कुमार, मैं अपने ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अपनी पूरी पंचायत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और मैं आगे चलकर अपने जो भी पंचायत का जो भी विकास होगा पूरे दिल और उनके आशीर्वाद से पूरा करूंगा। के लिए सभी जिन्होंने मेरा सहयोग किया उसके सभी गाँव वालों का मेरी और मेरे डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैन क्लब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हम कार्य आज से पहले हमने ये नहीं सोचा था कि इलेक्शन लड़ना है, हमारा प्रयास ये था कि हर लोगों तक पहुंचे और उनकी हेल्प की जाए, और आगे भी ये प्रयास रहेगा कि हमारा जो भी है जो हमारे डॉक्टर भाई डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी इनका सहयोग हमें मिलता रहता है, उन्हीं की आज सेवा और जो मतलब जितनी हमने लोगों के प्रति जो भी भावनाएँ थी वो आज उन लोगों ने हमारे ऊपर संतुष्टि बताई है और हम जीते आज। सर आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? प्रार्थना ये रहेगी लोगों के साथ मिल के रहना और लोगों की सेवा करना, जहाँ तक पहुँचा जाए लोगों की हेल्प करना। मेरा नाम सुमन लता है और मैं बलरोपा पंचायत से बीडीसी मेंबर के लिए बीडीसी मेंबर की विजेता हूं, इसलिए मैं सारे ग्रामवासियों की जिन्होंने मुझे वोट किया है ये उनकी जीत है, उनका धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मैं उनके हर कार्य के लिए उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी और उनका संपूर्ण सहयोग दूंगी, क्योंकि उन्होंने अगर मेरे ऊपर विश्वास जताया है तो मैं भी उन्हें इस विश्वास के ऊपर जो है वो खरी उतरूँगी। मैं पंचायत जंगलोपा वार्ड नंबर 5 से बीडीसी मेंबर सुनीता देवी ने जो लोगों से वायदे किए हैं मैं उनको पूरा करूंगा, विकास कराऊंगी अपने पंचायत जंगलोपा में और जो जरूरतमंद है उनका सहारा करूँगा। धन्यवाद। Thank you.
मानयोग प्रकाश जी कैप्टन जिहड़े पूरे अपने पंचायत ख्याल वाखरी और दई दे नौण दे विच सारे भरावां वीरां ने बड़े प्रेम दे नाल उन्हां वोटां पा के विजय बनाया। मैं उन्हां दा सारा दा धन्नवादी हाँ। जय हिंद जय भारत। सबसे पहले तो मैं पूरी जनता का जो मेरे ऊपर आप विश्वास किया है और सहयोग दिया है, मैं अपनी तरफ से पूरे हार्दिक मन से पूरी जनता का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे जिताकर विश्वास दिया है। और आने वाले समय में मैं अपनी जनता के लिए जो उनका डिमांड होगा या अपने इलाके की जो विकास के लिए मैं पूरा सहयोग करूंगा और संघर्ष करूंगा। बहुत धन्यवाद। और तन मन धन से उनकी सेवा करूंगा। अपने वार्ड में जो अधूरे काम है उनको पूरा करने की कोशिश करूँगा, जैसे रास्ते का विकास है, पौड़ियाँ हैं, पुल हैं और भी कुछ काम है जिनको मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। तू है और मैं ब्रालड़ी के वार्ड नंबर 2 चंगर और ललीन और ब्रालड़ी से हूँ और वहाँ से मैंने चुनाव जीता है। मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि मतलब जो जो हम मतलब जो जो मतलब जो मतलब जो कोई भी जनता तक नहीं पहुँचेगी जो सेवा, वो हम उन तक पहुँचाएंगे और युवा वर्ग को नशे से दूर रखेंगे और जो भी बुजुर्ग तक जो आम जो योजनाएं होती हैं लाभ की सरकार की तरफ से जो आती हैं वो बुजुर्गों तक नहीं पहुंच पाती हैं, उनको हम बुजुर्गों तक पहुंचाएंगे और आम जनता तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।